बागली के ग्राम नयापुरा में सोमवार को श्री राम मंदिर पर सामूहिक रूप से सोमवती अमावस्या व्रत उद्यापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम नयापुर सहित आसपास के गांव की 116 महिला सम्मिलित हुई, जिनमें द्वारा सामूहिक रूप से व्रत उद्यापन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंडित शर्मा द्वारा विधि विधान से मंत्र उच्चारण कर उक्त कार्यक्रम आयोजित कर व्रत उद्यापन कार्यक्रम सफल करवाया गया। उक्त कार्यक्रम में सभी ग्रामवासियों का भरपूर सहयोग रहा, वहीं पहली बार इस प्रकार का आयोजन देखने को मिला। बागली सर्वे पाटीदार की रिपोर्ट। यह आज जो पूजन चल रहा है, यह किस उद्देश्य को लेकर पूजन चल रहा है? आज ग्राम नयापुरा में श्री राम मंदिर प्रांगण में गांव की महिलाएं, इसके अतिरिक्त अन्य गांवों से, समीप के गांवों से महिलाएं यहां पर पहुंची है और समस्त ग्राम की महिलाओं के परम सहयोग, गांव की जनता जनार्दन के असीम सहयोग से आज श्री राम मंदिर ग्राम नयापुरा में सोमवती अमावस्या व्रत के उद्यापन के निमित्त 116 महिलाएं एकत्रित होकर सामूहिक रूप से भगवान का पूजन अर्चन का कार्य चल रहा है। समस्त महिलाओं के द्वारा यहां पर उपस्थित होकर प्रातःकाल से पूजन का कार्य चल रहा है, जो शाम को पूर्णाहुति के साथ और विशाल भंडारे के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य सभी लोग सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। विशेष करके यह जो व्रत है, इसका पूजन महिलाएं करती है, कामना केवल यही होती है कि अच्छे संतान की प्राप्ति हो और वह संतान चिरंजीवी हो। संतान प्राप्ति के लिए विशेष रूप से इस व्रत का पूजन किया जाता है। इसमें महिलाएं भगवान का पूजन अर्चन करती है और 108 परिक्रमाएं पीपल के पौधों की इसमें लगाई है। सभी लोग सुखी रहें, सभी निरोगी रहें और ग्राम नयापुरा में इसी प्रकार का आनंदमय रस बरसता रहे। इस का आयोजन में हमारे सेठ जी ने बताया कि 116 महिलाएं एकत्रित हुई है, ये परम सौभाग्य का विषय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।